नमस्कार दोस्तों, टेक्नोराजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया सीख लेने वाले हैं दोस्तों, कि बहुत आप सारे वीडियो देखेंगे कि हम अपने मोबाइल से गाना कैसे रिकॉर्डिंग करें दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऐप्स है और ये रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा हटके दोस्तों, इसमें मैक वैक कोई चीज़ का जरूरी नहीं दोस्तों, आप ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, वो भी स्टूडियो जैसी आवाज़ में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है गाना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ऐप्स ओके ओपन कर चुके हैं और यहाँ से हमको ओके कर देना, ठीक है। ओके करना दोस्तों, हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फाइल आ चुका है। फाइल आने का दोस्तों हमें क्या करना, देखिए आप लेफ्ट साइड में यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट को ओके कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमको दो नंबर में जो यहाँ दिख रहा है इंपॉर्टेंट सॉन्ग फोरा म्यूजिक जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट सॉन्ग म्यूजिक को ले लेंगे दोस्तों। जो भी आपको म्यूजिक लेना है, जो भी ट्रैक आप लेना है दोस्तों, यहाँ से आप चॉइस कर लीजिएगा। मैं आपको ट्रैक डाल करके सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का ज़माना है, इसके लिए मैं आपको ट्रैक सुनाऊंगा नहीं, इतना मेहनत मेरा पानी में चला जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा था दोस्तों। तो यहाँ से हमें ट्रैक को ले लेना, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ से आपको ट्रैक ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं आपको कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ से मेरा ट्रैक आ चुका है, मैं चलाऊँगा नहीं ट्रैक को दोस्तों, आपको मैं बता दिया एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा ट्रैक आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ट्रैक आने का दोस्तों क्या करना, हम इसका वॉल्यूम यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम इसका मैं बंद करना है, क्योंकि दोस्तों ट्रैक का वॉल्यूम इसके लिए बंद कर दूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। वॉल्यूम बंद करने का दोस्तों क्या करना है, हमें अभी इसका जो है दोस्तों, हमें इसमें अभी लगाना है दोस्तों, इसका रैग वैग सब लगाना है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ सेटिंग में जाना, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव लिखा हुआ है, मूव में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से टेम्पो लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टेम्पो पर ओके करके टेम्पो लगा देंगे दोस्तों, आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। टेम्पो लगा देंगे यहाँ पर, टेम्पो लगाना दोस्तों हमें कुछ और इसमें लगाना है दोस्तों, जैसे कि हमको इफेक्ट इफेक्ट ये सब लगाना है दोस्तों। तो हम इफेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से जाएंगे हम दोस्तों मोव में, फिर से मोव में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा है एड मैड, यहाँ लिखा हुआ है टेम्पो लिखा हुआ है, जूस्टो लिखा हुआ है दोस्तों। जो भी आपको यहाँ से लगाना है दोस्तों, आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसा आपका ट्रैक होगा, जैसा सॉन्ग होगा, उस तरह से आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा दोस्तों। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, फिर से मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दूँ, हम यहाँ पे ओके कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके करने हम दोस्तों हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट ओके करना है, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट ओके करने वाले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी आपको यहाँ से लगाना है, जो भी इफेक्ट आपको लगाना है दोस्तों, यहाँ से आप लगा सकते हैं, आप अपने गाना के हिसाब से लगाइए दोस्तों, जिस तरह का आपका ट्रैक होगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है स्पोर्ट मीडी फाइल दोस्तों, जिस तरह का आपका ट्रैक होगा उस तरह से आप यहाँ पर अपना इफेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें अब बताएंगे आपको गाना कैसे रिकॉर्डिंग करें दोस्तों, अभी हम आपको बताने वाले हैं ट्रैक पे गाना रिकॉर्डिंग कैसे करें, ठीक है दोस्तों। बताने वाला आपको मैं इससे पहले दिखा था आपको, यहाँ दिखा आपको दिख रहा है यहाँ पे रैग लिखा हुआ है, तो रैग को ओके करेंगे दोस्तों, और यहाँ से रैग आता है, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ से भगा करके यहाँ से जाएंगे इसमें, और देखिए यहाँ पर रैग आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी रैग आपको सेटिंग करना है वो सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये रैग हो गया दोस्तों, यहाँ ऑटो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं तो हो गया ऑटो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मास्टर आएगा, यहाँ ऑटो आएगा, ठीक है दोस्तों। आप मास्टर यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग कीजिएगा यहाँ पे इसका मास्टर आ जाएगा दोस्तों। हम इसको ओके कर लेना है दोस्तों, आपको बता दूँ कि हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ ऑटो को ओके कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके करने वाला दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉब है, लॉब को क्या करना है दोस्तों, इससे हमें कट इन करना है, ठीक है दोस्तों। जो भी आपका वीडियो है उसको यहाँ से हमें कट इन कर लेना है, जितना मतलब इससे भी फालतू का जो ट्रैक हो गया है उसको हटा देंगे, यहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग करना है इसको यहाँ से ऐसा घसका देंगे दोस्तों, जिससे इससे रिकॉर्डिंग करना है वहाँ से इसका ऐसे घसका देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लॉ, ठीक है दोस्तों। अब हो गया रेडो, ठीक है दोस्तों। रेडो का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो भी हमें जैसे कि यहाँ ट्रैक तोपना है, देखते यहाँ से दोस्तों हम यूडो दबाएंगे तो मेरा जो ट्रैक ऊपर चला जाएगा, और रेडो डलाएंगे तो ट्रैक नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ये जान गए होंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए आप लिख रहा है ग्रिड दोस्तों, हमें ग्रिड से क्या करना है, यहाँ पर जो ग्रिड है जैसा भी जैसे मेरा ट्रैक हो गया हाय रे पत्थर की, जैसे भोजपुरी में गाना है हाय रे पत्थर की, तो उसका ट्रैक हो गया। अगर उसका हम सेट कर रहे हैं ट्रैक को दोस्तों, तो यहाँ लिखना है डिस्प्ले एंड आंसर तो गर्ल्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ से सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कैसे किया जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको दबाना है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें इसका क्या, इसका मतलब होता है कि हम जहाँ तक ट्रैक को जहाँ तक गाना गाना है वहाँ तक इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक हम गाना गाना है वहाँ तक यहाँ से सेव कर देंगे। उसका दोस्तों हमें क्या करना है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटिंग, ठीक है दोस्तों। एडिटिंग के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर एडिटिंग का सिलेक्ट कर लेना है, जो भी एडिटिंग करना है वहाँ से हम सिलेक्ट, यहाँ से लिखा हुआ है मेरा अभी मल्टी सिलेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है मल्टी सिलेक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अभी क्या करना है, प्रोजेक्ट में फिर से जाना दोस्तों, अभी जिस नाम का प्रोजेक्ट बनना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लिखा हुआ है, जिस नाम का प्रोजेक्ट आपको यहाँ से, तो आपको अपना नाम अपना सेव कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ देखिए सेव टू
टेम्पोरी प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाकर के आपका नाम यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, जो भी नाम से आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर दीजिएगा दोस्तों। आप यहाँ से सेव करना दोस्तों, यहाँ से ओके कर दीजिएगा ठीक है। तो मैं यहाँ से कंसिल कर देखिए, आपको सिखा रहा था, बता रहा हूँ दोस्तों कैसे किया जाता है ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका चेक कर लूँ वॉइस बंद नहीं हुआ, अभी वॉइस बंद नहीं हुआ, इसका वॉइस अभी बंद कर लेता हूँ। जयदार कुर्ती वाला वॉइस है, इसका वॉइस मेरे को बंद करना है क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट अभी आ सकता है, कॉपीराइट का ज़माना है आपको तो पता ही है। तो मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से वॉइस बंद कर दिया, इसका वॉइस इसका ट्रैकर बंद कर दिया दोस्तों। तो अभी यहाँ से हमको रोक देना ठीक है दोस्तों। तभी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम भागा के यहाँ पे लेके आएंगे ठीक है दोस्तों। जहाँ से मेरा होगा, जैसे देखिए आप देख सकते हैं जहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग चालू होगा, यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। हाँ, यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है दोस्तों। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो है ना यहाँ तक रख देंगे ट्रैकर जी, जहाँ से मेरा अभी म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक को रिकॉर्डिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ जहाँ मेरा वॉइस आने वाला है वहाँ पर हम इसको कर देंगे ठीक है दोस्तों। जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जहाँ मेरा गाना आएगा वहाँ से इसको सेव कर देंगे ठीक है दोस्तों। यहाँ से भगाएंगे, जहाँ जूम करना ये देख रहे थे आप, यहाँ पे जूम हो रहा है, जहाँ तक जूम करना वहाँ से कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों। तभी हमें रिकॉर्डिंग करना है, तो हमें आप देखते थे नीचे लाल वाला जो बटन है वहाँ से रिकॉर्डिंग कर देते दोस्तों। मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तभी मैं इसको हटा दूँ, रोक दूँ दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से भी मैं इसको रोक देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें डिलीट करने के लिए हमें रिमूव में जाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। रिमूव में जाकर हमें यहाँ से इसको डिलीट कर देना पड़ेगा। डिलीट हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा डिलीट हो चुका है दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। तो कौन सा गाना रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों, जैसे कि मैं मन में सोच लूँ कि कोई भी गाना गाना, जैसे जो भी गाना हो वो गाना गा सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो हमें देवी सॉन्ग गाना है, भक्ति गाना है, या भोजपुरी गाना है, जो भी हिंदी जो भी ये गाना है, तो मैं आपको हिंदी गाना गा के सुनाता हूँ ठीक है दोस्तों। जहाँ जहाँ वो बेवफा तू, तूने भुला दिया, तोड़ के दिल क्यों मेरा, हम मुझे कर ला दिया दोस्तों। यहाँ से हमें रोक देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोस्तों अभी सॉन्ग उतना गाने तो आता नहीं, इसके मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं बता जाऊँगा दोस्तों इसे रिकॉर्डिंग में ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमें इसको जूम कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है। तभी दोस्तों क्या करना, हमको इसको चलाना है ठीक है दोस्तों। तो हमें इसको भी चला के दिखा देते हैं, जा जा वो बेवफा तू, तूने भुला दिया, तोरे के दिल क्यों मेरा, हम मुझे को रुला दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको आज चला कर दिखा दूँ कि कैसे सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओके करके, तो दोस्तों आप देख लिए, देख सकते हैं कि ये मेरा सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुका है दोस्तों, जो मैं गाया हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेरा सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो मैं इसको चला के आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये कैसे रिकॉर्डिंग हुआ। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ वो बेवफा तू, तूने भुला दिया, तोड़ के दिल क्यों मेरा, हम मुझे को रुला दिया। जो की थी तूने वादा, वो वादा भुला दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वॉइस जो ट्रैक का मेरा जो वॉइस था उसको मैं बंद करके रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि कॉपीराइट का ज़माना है भाई, तो कॉपीराइट में तो दोस्तों कॉपीराइट आ ही जाएगा। तो आप लोग अपना ट्रैक दोस्तों ले लीजिएगा, उसका वॉइस बंद नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो आपको, आप तो सीख ही गए होंगे कि दोस्तों कैसे बनता है गाना रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से। देखिए दोस्तों इसका आवाज़ कितना मस्त और कितना फ्रेश आया दोस्तों, अभी बगैर मैक का दोस्तों। तो हमें विश्वास हो गया दोस्तों कि आप लोग सीख गए होंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो भाई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा एक बार जरूर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इसका लिंक भी अपना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, जहाँ से आप लोड कर सकते हैं दोस्तों, अपने प्ले स्टोर में जा कर लोड कर लीजिएगा एप्स को दोस्तों। तो दोस्तों इसको सेव कैसे करें तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ से आप जाइएगा मूव में जाइएगा ठीक है दोस्तों। मूव में जाने का दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है,
और पेटीएम जो लिख रहा है यहाँ पे आप वहाँ जा करके इसको ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप इसमें ओके कर दीजिएगा। फिर दोस्तों प्रोजेक्ट में जाइएगा और प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों अपने फाइल याद जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट आइडियो आइडियो फाइल्स, इसमें जा करके आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से दोस्तों बोलता हूँ एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।